कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल रात अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना और पूर्वोत्तर की 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 12 बंकी, असम की 5, तेलंगाना की 8, मेघालय की 2 और सिक्किम और नागालैंड की 1-1 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के पुत्र तनुज पुनिया को 12 बंकी से उम्मीदवार बनाया गया है। असम के उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, गौरव गोगोई और सुष्मिता देव प्रमुख नाम शामिल हैं। कलियाबोर से गौरव गोगोई और सिलचर से सुष्मिता को एक बार फिर से चुनावी समर में मैदान में उतारा गया। दोनों इन सीटों से वर्तमान में सांसद हैं। मेघालय के शिलोंग से पूर्व केंद्रीय मंत्री विसेन पाला और तुरा से पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा उम्मीदवार बनाए गए हैं।